आओगे ना तब मैं 101 रुपए का आपका मान सम्मान करूंगा विदाई के नाम पे, ठीक नहीं 251 देगा। आओ तुमने कदलंबा रंगोरा, ये है दिनी पहलवान राजस्थान फांसी वाली गली जल्लाद वाला मोहल्ला, और इनका शानदार मकान नंबर 420। अच्छा अच्छा, जल्लाद पहलवान का तीसरा लड़का मकान नंबर 420 के किस है भाई साहब? आगे पीछे नहीं हुआ अभी। अच्छा तुम्हारा बाप का 19 था, तुमने 20 कर दी, 21 तुम्हारा लड़का करेगा। और इन्हीं के सवालों के जवाब में है देवा थापा पहलवान नेपाल पट्टा ध्यान सिंह गेंडा। इसका गुरु था ध्यान सिंह गेंडा पहलवान, उसको तुमने नहीं देखा, बहुत छोटे हो गए। बच्चे कुर्सी का टाइम 15 मिनट, चलो पहलवान जी चलिए, चलो घड़ी हमारे हाथ में है पहलवान जी, चलिए डरो मत। दोनों पहलवान बहुत अच्छे हैं। ए मिट्टी रहने दो, मिट्टी रहने दो, ऐसे ही चलो, मिट्टी लग जाएगी। बहुत अच्छे, शाबाश पहलवान। अरे दूर से डाल दे, क्या बात है, क्या कहने, लड़ते पे लग जाएगी, क्या कहने। हेलो, ये सुना के ठंड ज्यादा है, बिना मिट्टी से कुश्ती हो जा, खत्म हो जाने की कोशिश कर रहा, लेकिन ऐसा मत सोच मिट्टी इतना लगाऊंगा तुझे नहाना ही पड़ेगा आज। हेलो, ए हरिया बुड्ढा पहलवान, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, और इस मिट्टी से तिलक करो, ये मिट्टी है बलिदान की, क्या कहें बहादुर। एक तरफ नेपाल है और एक तरफ राजस्थान है, सुराली में चल रहा है मुकाबला हर साल की तरह। इंडिया नहीं, इंडिया और नेपाल के बीच चलता मुकाबला, जो दर्शक बाहर खड़े हैं लगा दे जलवा जलवा। अच्छे क्या बात है, गिन्नी पहलवान राजस्थान की शान, गिन्नी पहलवान। यही है नेपाल, नेपाल की शान, देवा थापा पहलवान, जवाब नहीं, दोनों का जवाब नहीं, क्या बात है। बहुत ही शानदार मुकाबला, बहुत ही घमासान मुकाबला दोनों के बीच, राजस्थान और इंडिया के बीच, बहुत ही शानदार और जानदार मुकाबला। बाहर खड़ी शौकीन जनता से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अपना अपना टिकट लेकर दंगल हॉल में चले, बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। हेलो, नेपाल से ऊपर नाचना है पहलवान जी, नहीं नीचे करे पहलवान, हाथ नीचे करे पहलवान जी, बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है पहलवान जी। झूठा पहलवान नहीं, बदतमीजी ना, नहीं बदतमीजी ना करे हिंदी पहलवान, बदतमीजी की हत्या ना कर, मर्द का बच्चा है तो सीने पे वार कर, क्या बात है, जवाब नहीं सिखने है, हिंदी पहलवान बदतमीजी ना करे, पहलवान जी बदतमीजी ना करे।
पानी चक्कर काट गई। क्या बात है पहलवान जी, क्या बात है, अपने अपने उस्तादों का हुनर दिखाएं। दोनों ही पहलवान बहुत ही शानदार अच्छी तैयारी के साथ अच्छा जोर लगाते हुए गिन्नी पहलवान 1 क्विंटल 25 किलो वजन, एक अठा पहलवान 70 किलो वजन, बहुत ही शानदार मुकाबला दोनों के बीच। हेलो ए यार, ये बत्तमीजी क्या करते तुम, सबके आंखों में मिट्टी फेंक रहे तुम। हद देखो यार, एक बात सुन, तो पिछले जन्म में कुत्ता था क्या जो काट रहा सारा है? काटना है तो अच्छी जगह काट, मैं सुबह ढंग से पानी खत्म हो गया था, मैं ढंग से धोके नहीं आया था। हाँ पहलवान, नौजवान आदमी हो, दोनों नौजवान हो, ढंग से लड़ो या मारो या मर जाओ। खाना लगा रहे नहीं भाजी का, हमारा इंडिया जीतेगा। इमरान भाई जल्दी पानी मंगाओ, आंख में मिट्टी चली गई यार। क्या यार हद हो गई, तुम लोग उल्टे उल्टे काम करते हो, मिट्टी आंखों में डालते हो, आंखों में मुंह में डालते हो। अरे पैसा नेपाल से मैं अकेला आया हूँ ना, इसलिए इन लोग ऐसा कर रहे मेरे साथ। ठीक है आप इंडिया वाले, हम नेपाल से आया, लेकिन नेपाल और इंडिया भाई भाई है, ध्यान रखना। एक बार सो कभी नेपाल को कोई जरूरत पता नहीं, इंडिया वालों से मांगते और देते हैं। बहुत दिनों से, बहुत सालों से रिश्तेदारी निभा रखा है, समझ में आया? कोई नहीं है ना नेपाल ना इंडिया, हम एक इंसान है, इंसान की तरह लड़, बेईमानी ना कर। ऐसे क्या मतलब हो गया, वो ठीक ठीक बुला रहे मैं ठीक कर दिया। एक कोई बात है यार, ईमानदारी का जरूरी होता है भ्रष्टाचार, ईमानदारी का कुछ तो होता है। एक बात सुनो, देख हंसते रहते हैं, एक बात सुनो, लड़ना है तो लड़ जा, नहीं तो जा ऊपर जाके करंट का तार पकड़ के मर जा। इस पहुंचड़ी के ने सारी नेपाली पब्लिक अपनी तरफ कर ली, कई लोग सुना सुना के हमारी तरफ साला एक भी आदमी नहीं है। एक बात सुन, तुम जल्ला सिंह का कौन से नंबर का लड़का है? छोटा बहुत लड़का पैदा कर रखा है यार जल्ला सिंह ने भी, और जेल से छूटा कि नहीं छूटा? अभी नहीं छूटा, आठ ही तो है, लोगों के 15-15 लड़के हैं। तो जो आपका बाप जल्ला सिंह है उसको चोरी करना किसे सिखाया था? आप जेल में बैठा है, कब छूटेगा वो? मदर मुदर नहीं करे, चोरी करा था इसका बाप ने, जल्ला सिंह ने। भाई साहब गाना लगा था यार, एक बार बताओ जनता वाले कुश्ती हुई क्या? देख भाई साहब कुश्ती नहीं हुआ, ईमानदार से कुश्ती लगा भाई, सब जनता ने देखा, मुझे बोला था वो, देख 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 देख, मैं उधर देखता था। लगा ले भाई साहब गाना। हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है इंडिया में दंगल हो रहा है नेपाल में, सारी जनता तो इसकी तरफ है। भाई साहब ये दंगल ना नेपाल में हो रहा है ना तो इंडिया में हो रहा है, ये दंगल हो रहा है सिलोनी में मेले में हो रहा है, यही समझ में आया? यही बिन्नी पहलवान की तरफ कौन कौन है, खड़ा करियो भाई एक बार। मेरी तरफ कोई नहीं है, बैग उठा ले अपने घर चलते हैं। दिल्ली पहलवान, ड्राइवरों ने चक्का जाम कर रखा है, भाग के ना जाओ, तुम्हारा फैसला यही है। भाई साहब जब कुश्ती लड़ते लड़ते तुम भाग रहे हो, कल को स्वागत माते माते भाग जाएगा तू? पहले कुश्ती लड़ फिर चला जाइयो जहां जाना। चल अब तो लड़ ले अपनी तरफ, एक बहुत बड़ा आदमी है जावेद गनी, हाथ खड़ा कर दिया उसने, लड़ना पड़ेगा अब तो। चल जवाब नहीं किन्नी पहलवान,
तेरा जवाब नहीं। कुश्ती नहीं हुई, पब्लिक बताएगी कुश्ती हुई नहीं हुई। हेलो, अभी कुश्ती नहीं हुई, इसका पैर मुझ गया था डॉक्टर से, अभी कुश्ती नहीं हुई, दोबारा लड़, अभी नहीं हुई कुश्ती। चलो पब्लिक बता देगी कुश्ती हुई कि नहीं हुई। नहीं हुई, हो गई, कुश्ती नहीं हुई। पब्लिक कह रही है क्या तुम्हारा चाहते है मना, नेपाली पहलवान तेरा जवाब नहीं। क्या बात है, यही है नेपाल की शान, बेहद है पहलवान। क्या बात है पहलवान जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ये है ये उत के नहीं, बता बता अपने मुंह से बता।